Now let's see subtopic 11 of trigonometric function. Uska naam hai domain and range of trigonometric function. Domain and range of trigonometric function. तो यहाँ पर हम चार्ट बनाते हैं. फर्स्ट कॉलम फंक्शन, डोमेन, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम रेंज. सबसे पहला फंक्शन है नंबर वन y इक्वल टू साइन थीटा. अब साइन थीटा के लिए डोमेन है सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज, सो दैट इज कैपिटल R, एंड रेंज है इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस वन है एंड मैक्सिमम वैल्यू प्लस वन है. सो माइनस वन लेस दैन इक्वल टू साइन थीटा लेस दैन इक्वल टू प्लस वन. सो रेंज इज क्लोज इंटरवल माइनस वन कॉमा प्लस वन. देन नंबर टू, सेकेंड फंक्शन है हमारा वाई इक्वल टू कॉस थीटा. अब कॉस थीटा के लिए डोमेन है ऑल रियल वैल्यूज, दैट इज सेट ऑफ रियल नंबर, सो इट इज कैपिटल आर, और उसका रेंज है क्लोज इंटरवल माइनस वन टू प्लस वन. थर्ड फंक्शन है वाई इक्वल टू टैन थीटा. अब टैन थीटा के लिए डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर्स आर माइनस कर्ली ब्रैकेट टू एन माइनस वन, दैट इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू 90, कॉमा एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर दैट इज जेड. तो ये हो गया डोमेन टैन थीटा के लिए. एंड रेंज, रेंज है टैन थीटा का सेट ऑफ रियल नंबर. फोर्थ फंक्शन है वाई इक्वल टू कोसेक थीटा. अब कोसेक थीटा के लिए डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर माइनस एन पाई, एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर कर्ली ब्रैकेट क्लोज. ये हो गया डोमेन. एंड रेंज है सेट ऑफ रियल नंबर माइनस क्लोज इंटरवल माइनस वन कॉमा प्लस वन. नाउ फिफ्थ फंक्शन है वाई इक्वल टू सेक थीटा. अब इनके लिए डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू दैट इज टू एन माइनस वन पाई बाय टू, एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज. ये डोमेन हो गया सेक थीटा के लिए. नाउ वी सी रेंज. रेंज है सेट ऑफ रियल नंबर माइनस क्लोज इंटरवल माइनस वन कॉमा प्लस वन. एंड सिक्स फंक्शन है वाई इक्वल टू कॉट थीटा. अब कॉट थीटा के लिए डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर माइनस एन पाई, वेयर एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, एंड रेंज है सेट ऑफ रियल नंबर्स. तो ये होगा चार्ट ऑफ
domain and range of trigonometric function.